नमस्कार दोस्तों, तो Redmi 13 5G फाइनली इंडिया पे लॉन्च हो चुका है विदाउट कार्ड ऑफर वाले। इसके पहले भी इनका प्राइस है एग्जैक्टली 13,000 रुपए। और मैं पिछले बार की वीडियो के जैसे इधर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मुझे Redmi 13 5G का पहले सेल जो कि 12th जुलाई इस दिन पे बाय करके मुझे इसे रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं, कॉमेंट में मुझे जरूर बताना। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के दिन में कार्ड ऑफर मिला के Redmi 13 5G आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 13,000 रुपए पे। लेकिन उसी जगह पे अगर आप Amazon पे देखेंगे या फिर Flipkart में देखेंगे तो Galaxy M34 5G विदाउट कार्ड ऑफर वाला ऐसे ही आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली 13,000 रुपए पे। और इसके साथ ऑब्वियसली आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, मतलब चार्जर को मिलाने के बाद भी इसका एक्चुअल प्राइस होगा 14,000 के नीचे, मतलब एग्जैक्टली Redmi 13 5G की प्राइस में होगा। इसलिए इस वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली सेम प्राइस पर में दोनों फोन के अंदर कौन से सबसे ज्यादा बढ़िया और कौन से लेना चाहिए, इस वीडियो में हम ये चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट्स चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट्स चैनल को सबसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो Redmi 13 5G आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, पिंक, ब्लू और ब्लैक। उसी जगह जो गैलेक्सी M34 5G आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, सिल्वर, ब्लू और ब्लैक। तो नेक्स्ट आना दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, Redmi के पीछे आपको मिलेगा टोटली ग्लास का बैक कवर। उसी जगह जो गैलेक्सी M34 5G इसके पीछे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट, मतलब जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक का ग्लॉसी वाला बैक कवर। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि दोनों में से किसका डिजाइन सबसे बेटर, तो मैं इधर Redmi के डिजाइन को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा कंपेयर टू गैलेक्सी। वैसे आपको इसमें से किसका डिजाइन बेटर लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट आना दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, Redmi का थिकनेस है 8.2 मिलीमीटर और वेट है 193 ग्राम। उसी जगह पे गैलेक्सी का थिकनेस है 8.8 मिलीमीटर और वेट है 208 ग्राम। तो इसका मतलब देख सकते हैं कि थिकनेस, वेट ये सब के मामले में Redmi इधर है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर। तो नेक्स्ट आना दोनों की डिस्प्ले के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा 6.79 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 3 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। उसी जगह पे गैलेक्सी भी आपको मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसके साथ 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। इसके अलावा Redmi पे आपको मिलेगा 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 550 nits का ब्राइटनेस। गैलेक्सी भी आपको कितना टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन 1000 nits का ब्राइटनेस। इसका मतलब इधर अगर हम दोनों फोन के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो उस मामले में सैमसंग होगा नो डाउट बेटर। तो नेक्स्ट आना दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा Snapdragon 4 Plus Gen 2 प्रोसेसर जो कि 4nm पे बना है। इसका Antutu स्कोर है 4,40,000 के आसपास। उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा Exynos 1280 प्रोसेसर, ये 5nm पे बना है। इसका Antutu स्कोर है 4,77,000 के आसपास। तो मतलब इधर इस बेटर क्वालिटी CPU के मामले में दोनों में बोलूंगा ऑलमोस्ट सेम। तो नेक्स्ट आना दोनों के कैमरे के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा 108 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, जिसके साथ ही डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी, जिसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा 58 और 2 का DR कैमरा, जिसके साथ ही डुअल LED फ्लैश और उसके साथ OIS का ऑप्शन। फ्रंट में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का सेल्फी, जिसके साथ ऑब्वियसली कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो मतलब इधर अगर हम दोनों फोन के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी कैमरा सेटअप को चूज करते हैं तो मैं इधर डेफिनेटली गैलेक्सी को चूज करना चाहूंगा, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है। इसका रीजन नंबर 1, इसमें आपको मिलेगा OIS का ऑप्शन जो कि फोटोग्राफी में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। दूसरा, सैमसंग का जो 50 मेगापिक्सल जो सेंसर वो जनरली बाकी के मुकाबले थोड़ा सा बेटर रहता है। और जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सैमसंग के फोन में हमें सैमसंग का 50 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया होगा। तो इसीलिए मैं इधर कैमरे के मामले में सैमसंग को ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट अगर दोनों के रैम और वेरिएंट के बारे में बात करें, इधर Redmi और Galaxy टोटल 2 वेरिएंट पे अवेलेबल है, 6 128GB और 8 128GB। दोनों पे आपको मिलेगा हाइब्रिड कास्ट आउट का ऑप्शन, इसका मतलब आइदर 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और 1 SD कार्ड हम सेम टाइम इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसके अलावा दोनों ही फोन में आपको मिलेगा LPDDR4X का रैम और इसके साथ UFS 2.2 क्वालिटी का स्टोरेज। तो मतलब इधर बेटर क्वालिटी रैम और स्टोरेज के कॉम्बिनेशन पे दोनों ऑलमोस्ट सेम। नेक्स्ट आना दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, Redmi पे आपको मिलेगा 5030mAh बैटरी, साथ में 33W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। उसी जगह पे Galaxy पे आपको मिलेगा 6000mAh बैटरी, साथ में 25W का चार्जिंग सिस्टम जो कि आपको अलग से लेना पड़ेगा और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसका मतलब मैं इधर बेटर क्वालिटी बैटरी और चार्जर के कॉम्बिनेशन पे सैमसंग को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर मैं करना चाहूंगा। तो नेक्स्ट आना दोनों के ऑडियो के बारे में बात करें,
इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर। Redmi में आपको मिलेगा हाईरेस ऑडियो का सर्टिफिकेशन, Samsung के इस फोन में आपको मिलेगा डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन। तो मतलब इधर ऑडियो डिपार्टमेंट में Samsung होगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर। तो नेक्स्ट आना दोनों के पोर्ट्स की बारे में बात करें, इधर दोनों ही फोन में आपको मिलेगा सिंगल स्पीकर जिसके साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन Redmi में आपको मिलेगा एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का ऑप्शन। तो इसलिए इधर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में Redmi होगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर। नेक्स्ट आना दोनों के OS के बारे में बात करें, Redmi लॉन्च हुआ है Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, जिसके साथ 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। उसी जगह पे Galaxy भी आपको मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके साथ 4 साल का मेजर OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये जो Galaxy इसका लास्ट Android अपडेट होगा Android 17 तक, उसी जगह पे Redmi का लास्ट Android अपडेट होगा Android 15 तक। तो इसी इधर इस बेटर क्वालिटी OS अपडेट साइकिल के मामले में Samsung होगा डेफिनेटली बेटर। और नेक्स्ट आना दोनों के 5G बैंड की बारे में बात करें, Redmi में आपको मिलेगा टोटल 7 5G बैंड, लेकिन उसके अंदर ही इंडिया में जो इंपॉर्टेंट N77 और N78 दोनों के अंदर हमें सिर्फ N78 का ही ऑप्शन हमें मिलेगा। उसी जगह पे गैलेक्सी पे आपको सभी के सभी मतलब टोटल 12 5G बैंड मिलेगा, उसके अंदर N77 और N78 दोनों का ही ऑप्शन हमें मिलेगा। तो मतलब इधर बेटर क्वालिटी 5G नेटवर्क सेटअप में Samsung होगा थोड़ा सा ज्यादा बेटर। और इसके बाद फाइनल आना दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, वैसे मैं इधर कार्ड ऑफर मिला के दोनों का मैं प्राइस कैलकुलेट करूंगा। तो कार्ड ऑफर मिलाने के बाद Redmi के पहले वेरिएंट का प्राइस है 13,000, सेकंड वेरिएंट का प्राइस है 14,500 रुपए। उसी जगह पे विदाउट कार्ड ऑफर Galaxy का पहले वेरिएंट का प्राइस है 13,000 और सेकंड वेरिएंट का प्राइस है 15,000 रुपए। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एक्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में दोनों के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप 13,000 के प्राइस पॉइंट में Redmi के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रीमियम ग्लास बैग वाला डिजाइन, चार्जर इन द बॉक्स और एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन उसी जगह पर अगर हम Galaxy के साथ जाएंगे तो आपको मिलेगा बेटर डिस्प्ले, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी प्रोसेसर, बेटर क्वालिटी कैमरा, बिगर बैटरी, सभी के सभी मतलब ऑल 5G बैंड और Android 17 तक का सॉफ्टवेयर अपडेट। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में ऐसी समझ में आ गया होगा, अगर आपको एकदम लेटेस्ट वाला फोन लेना है तो Redmi 13 5G ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्जैक्टली 13,000 रुपए पे एकदम वैल्यू फॉर मनी वाला स्मार्टफोन लेना है तो आज के दिन में Galaxy M34 5G एक अल्टीमेट चॉइस है। और हाँ, एक चीज भी ध्यान में रखना, Galaxy के साथ का जो चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चार्जर मिलाने के बाद भी इसका प्राइस होगा 13,500 रुपए के आसपास। लेकिन उसी जगह पर Redmi का जो 13,000 जो प्राइस वो एक्चुअली कार्ड ऑफर मिलाने के बाद प्राइस है, लेकिन Samsung का जो प्राइस वो विदाउट कार्ड ऑफर वाला प्राइस है, ये चीज ध्यान में रखना। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि क्या मुझे Redmi 13 5G इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।